हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल वन सेकेंड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एयरपोर्ट्स एग्जामिनेशन 2020 के कट ऑफ के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, जो एग्जामिनेशन 4 नवंबर से लेकर 8 नवंबर को हुए थे उसके कट ऑफ के बारे में। फ्रेंड्स, हमने अपने कट ऑफ फुल एनालिसिस के बाद में बनाया हुआ है। हमने सारे सेटिंग्स को अच्छे से कवर किया हुआ है, उसको एनालाइज किया हुआ है और फिर कट ऑफ को प्रिपेयर किया हुआ है। फ्रेंड्स, इस बार का जो क्वेश्चन पेपर रहा था वो मॉडरेट था, ना ही क्वेश्चन पेपर हार्ड था और ना ही ईजी था। ठीक है फ्रेंड्स, कटअप देखने के लिए हमें सबसे पहले 2019 के कटअप को समझना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 2019 में एक्स ग्रुप के लिए जो कटअप था वो इंग्लिश में कितना था, 10 मार्क्स। ठीक है, फिजिक्स में कितना था, 9 नंबर। मैथ में कितना था, 9 नंबर। ठीक है, हर बार आप देखेंगे फिजिक्स और मैथमेटिक्स के जो नंबर होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में 10, फिजिक्स में 9, मैथमेटिक्स में 9 और ओवरऑल जो कटअप था एक्स ग्रुप के लिए कितना था, 28। ठीक है, और वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश में 10 और आगा में कितना था, 15 नंबर। और वाई ग्रुप का ओवरऑल जो कटअप कितना था, 33 नंबर। इस बार जो है देखिए आपके पास इंग्लिश में, ठीक है, 2 नंबर अधिक होने चाहिए, मतलब कि लगभग 12 नंबर। ठीक है, इस बार जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई होने वाला है। कारण क्या है कि देखिए कोविड के दौरान जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं उनके जो कट ऑफ है हाई गया है। कारण क्या था कि भीड़ को कम किया गया है। ठीक है, कोविड को आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, भीड़ से फैलता है, इसलिए जो भीड़ को कम किया गया है, कैसे किया गया है, कट ऑफ को बढ़ा के। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे ऊपर भी लागू होती हैं और हमारा जो कट ऑफ है ज़्यादा हाई नहीं होगा। ठीक है, पिछले बार के मुकाबले 2-3 मार्क्स उधर उधर होगा। ठीक है, आई समझ, देखिए इंग्लिश में आपके पास कम से कम 12 नंबर होने चाहिए, ठीक है, सिक्योर करने के लिए। फिजिक्स में आपके पास इस बार कम से कम, ठीक है, 10 मार्क्स होने चाहिए और मैथमेटिक्स में भी वही है, ठीक है, 10 मार्क्स। ठीक है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स लगभग सेम ही होते हैं। तो ये कितना हो गया लगभग, ठीक है, आपके पास 32 नंबर। लेकिन आपके पास फाइनली कम से कम, ठीक है, कट ऑफ को क्लियर करने के लिए, ठीक है, लगभग आपके पास 33-34 नंबर, ठीक है, आपके पास होने चाहिए, ठीक है, एक्स के लिए। और फ्रेंड्स, वाई के लिए इस पर आपके आपके पास कम से कम, ठीक है, इंग्लिश में 2 नंबर मतलब कि 12 नंबर हो गया और रागा में लगभग कितने नंबर, ठीक है, 3 नंबर, लगभग 18 नंबर। ठीक है, और आपके पास ओवरऑल लगभग 35-36 नंबर होने चाहिए किसके लिए, वाई के लिए। ठीक है, एक्स के लिए कितना हो गया, एक्स के लिए हो गया आपके पास 33-34 मार्क्स और वाई के लिए कितना हो गया, 35-36 मार्क्स। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये मार्क्स जिसके पास है वो अपने पीएफटी के लिए तैयारी में लग जाए। ठीक है, रिजल्ट जो जल्दी ही आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, एयरफोर्स एग्जामिनेशन CASB अक्सर आपको 18 से 20 दिन लेता है, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट का रिजल्ट देने में। मतलब कि आपके पास रिजल्ट जो है लगभग, ठीक है, 26 तारीख के आसपास, 26 से लेके, ठीक है, 28 के बीच में आपको 100% जो रिजल्ट है आपके पास आ जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको 20 दिन मिलेगा किसके लिए, पीएफटी के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल, आप तैयारी में लग जाइए और आपको कोई भी डाउट हो तो जरूर जरूर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।